don't forget to like, share, and subscribe to Ada 24/7 channel. Also, download Ada 24/7 app. Hello, everyone. Good morning. Good morning. Awaaz aa rahi hai? Awaaz aa rahi hai? I'm really sorry. The light was not on. The net was not working. Fine. Now everything is fine. And good morning. Aap logo ko awaaz clear hai? Voice sunai de rahi hai? आवाज आ रही है, वॉइस सुनाई दे रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए, तो वी विल स्टार्ट डेली करंट अफेयर्स, ठीक है? और आज से ये क्लास जो है वो डिफेंस एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है. सो ऑल माय इंजीनियर फ्रेंड्स, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, हाँ जी, जय हिंद. चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. Thing is, a goal without a plan is just a wish. अगर आप लोगों ने एक गोल रखा हुआ है और वो बिना किसी प्लान के, तो वो बस एक विश है, जस्ट एक डिजायर है. अगर आपके पास एक पूरा रोड मैप नहीं है, ठीक है, तो ये जो गोल है ये कैसे आप अचीव करेंगे? इट विल जस्ट बिकम अ विश. सो डिज़ायर के साथ साथ आपको प्रॉपर प्लान करना है. जैसे क्या, अभी DFCCIL का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर CAPF का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का PCS का AE का एग्ज़ाम आ चुका है. सो ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, PT है, मेंस है, इंटरव्यू है, ऐसे थोड़ी ही निकल जाएगा. आप PT का एग्ज़ाम करोगे, फिर मेंस का टाइम नहीं रहेगा, इंटरव्यू का टाइम नहीं रहेगा. तो एक होलिस्टिक अप्रोच इम्पोर्टेंट है. होलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको पता है कि आपका जो भी इंजीनियरिंग का जो भी ट्रेंड, जो भी आपने लिया हुआ है, मतलब सिविल लिया हुआ है या इलेक्ट्रिकल लिया हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज. लेकिन उसके साथ साथ आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए कि मैं जो हूँ, मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूँगा, साथ साथ इंटीग्रेटेड मेन्स होना चाहिए और साथ साथ इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स होना चाहिए. मेन थिंग इज योर मेन्स. इफ द मेन्स इज कमिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में है इंजीनियरिंग या डिफेंस के, बहुत सारे CAPF में भी है कि डायरेक्टली वो लोग एक एग्जाम लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना. तो माई थिंग इज, आई एम टेलिंग यू टू डू अ होलिस्टिक अप्रोच. ये काम मत करिएगा कि मैं अभी मैंने मेन्स का प्रिपरेशन करा हुआ है, मैं तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ. सो आपका जो भी प्लान है, आपको पता होगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है. जस्ट मेक अ प्लान. डोंट जस्ट थिंक कि येस दिस विल हैपन. आज का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरे को आज 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट उसका चैप्टर ये क्लियर कर लेना है, ये सब सब करके, और उसके बाद आज का दिन मतलब एंड कर देना है. सो ज़्यादा भाषण नहीं, यही है मेरा, तो यही बात है कि आपको प्लान होना चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड, आवाज़ नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है और वीडियो क्लियर है? गाइस प्लीज कंफर्म वंस. हाँ जी, आवाज आ रही है, चलो ठीक है, बढ़िया. यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको पता है एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन चलता है, टैक्सेशन चल रहा था इंडिया में 2012 से लेके इस साल 2021 में उसको ऑफ कर दिया गया है. तो अब आपको बताना है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है ये क्या है, किसने चला रहा है, ये सब सब आपको बताना है. सो टेल मी दैट. वेट वन सेकेंड. नाउ देयर इज अ इशू. नॉट गेटिंग ऑन दिस थिंग. गाइस आप आंसर दीजिए, तब तक मैं एक चीज क्लियर करती हूँ. लेट मी क्लियर वन थिंग. हाँ जी, दिस इज नॉट कमिंग ऑन इंजीनियर्स चैनल. वाई माय डिफेंड एस्पिरेंट, आप लोग प्लीज आंसर देते जाइए. हाँ जी, आंसर आ रहा है. लेट मी क्लियर वन थिंग, ये इंजीनियर वाले पे नहीं आ रहा. हाँ
गुड मॉर्निंग हेलो हेलो ओके देयर इज वन इशू डिफेंस एस्पिरेंट प्लीज आप आंसर देते रहिए. हाँ ये बिल्कुल एयरफोर्स के लिए बिल्कुल है. ठीक है लेट मी क्लियर वन थिंग. So you keep on answering. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Actually, this has to come on board defense and aspirant, but defense and engineers, but it is not coming right. Yes. So, बताओ क्या है. गुड मॉर्निंग मैम इकबाल शेख वेरी गुड मॉर्निंग. एयरफोर्स के लिए है निखिल यादव ये एयरफोर्स के लिए बिल्कुल है. एंड आदित्य आंसर बता रहे हैं डी. ठीक है मोबाइल फोटोग्राफी ये भी आंसर ये बता रहे ए. नवीन नेगी जी सी बता रहे हैं और सी ए आंसर्स आ रहे हैं ए सी डी. एयरफोर्स के लिए है बिल्कुल बिल्कुल एयरफोर्स के लिए सर सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है. हाँ जी देख लिया आनंद मैंने आपका मैसेज. मैम वॉइस क्लियर है द लाइक वाज नॉट क्लियर आई नो दैट. हाँ जी गुड मॉर्निंग वेटिंग फॉर योर क्लास थैंक यू. चलो तो देखो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आप लोग समझ लीजिए पहले. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जैसे आप लोग रेट्रो गाना स्टार सुनते हैं ना रेट्रो गाना आ रहा है. सो इसमें क्या होता है कि रेट्रो मतलब पुराना. ठीक है अब मान लो कि अभी एक रूल बना 2010 में. ठीक है और ये रूल जो है ये अभी 2015 चल रहा है लेकिन बोला गया कि 2010 में जो रूल बना है वो 2010 से फॉलो ना होकर और 2005 से फॉलो होगा. सो क्या किया आपने इसको पीछे से बैक डेट से फॉलो करवाया रेट्रोस्पेक्टिव चल गया. सो यही है आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड लेट हो रहा है आई होता है. ठीक है मैं कॉमर्स से हूँ. ठीक है कॉमर्स से है और चलिए तो आंसर बिल्कुल है. सॉरी गाइस आई एम डिलेइंग इट बिकॉज इट हैज टू स्ट्रीम वन मोर प्लेस. ठीक है सो द आंसर इज प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा है अभी अभी कि अभी अभी कुछ लिखा है 2012 में क्या कहा था. 2012 में क्या हुआ था बेसिकली कि एक रूल बना था आईटी एक्ट पे. बहुत सारे जो हैं वो आईटी मतलब टैक्स नहीं भर रहे थे और ये सब तो इस पे रूल बना था और प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि नहीं ये जो रूल है ये फॉलो होगा उस सारे टाइम में जो 1962 से चल रहा है. ये 2012 में कहा था. ये बहुत रिप्रेसिव लॉ था मतलब अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब आपको जो है टैक्स देना है. ठीक है तो आप बोलोगे चलो ठीक है मैं टैक्स दे दूंगा तो बोला जाए नहीं 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 अभी से टैक्स नहीं देना आपको. अभी आपको टैक्स देना है 2005 से टैक्स देना स्टार्ट करो. तो यू विल ऑल्सो बी डिस्करेज कि मैं ऐसा बिजनेस क्यों स्टार्ट करूं जहां मुझे 2005 से टैक्स देना है. राइट सो दैट इज द थिंग. ओके आप लोग कॉमर्स ठीक है यस सो दैट इज द थिंग. सो लेट्स स्टार्ट. It has also been streamed over here. ठीक है सो लेट्स स्टार्ट. फिर क्या हुआ कि आफ्टर 10 years सेकेंड क्वेश्चन इज आफ्टर 10 years ऑफ डेमोक्रेसी एंड मल्टीपल लीडर्स स्ट्रगलिंग टू कीप अप विथ इट विच कंट्री फेसेज इट्स बिगेस्ट टर्मोइल एज प्रेसिडेंट के सैयद सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर हिचेम मेचिची एंड पार्लियामेंट ओवर अ वीक अगो.
हाँ उनको उनको टैक्स देना था, ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहे ये कि भाई किस कंट्री का कहानी है कि प्रेसिडेंट जो है के सईद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। हिचेम मिचिची इनका नाम है, हिचेम मिचिची, ठीक है। तो इन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट ओवर अ वीक अगो। अब ये जो है वो लीबिया का है, टूनिशिया का है, इटली का है या फिर अल्जीरिया का है? तो देखो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, इट इज ऑफ टूनिशिया। हाँ जी बिल्कुल आंसर आप बता रहे हैं इटली, इटली नहीं है, देखो टूनिशिया है। मैंने क्यों ऑप्शंस में ये रखा है, क्योंकि टूनिशिया का जो नेबरिंग कंट्री है वो है लीबिया, ठीक है लीबिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको अल्जीरिया है। ध्यान रखना टूनिशिया का सिर्फ दो नेबरिंग कंट्री, ये अफ्रीका है ना, तो मान लो अफ्रीका के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है टूनिशिया, और ये इसका जो नेबरिंग कंट्री है वो अल्जीरिया और लीबिया है, और मैरिटाइम नेबर कंट्री जो है वो इसका इटली है। यस ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट वेरी गुड मॉर्निंग, एंड ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग, इट हैज़ बीन क्वाइट डिलेड ऑन एवरीथिंग, ठीक है। सो फेल्ड इकोनॉमी इन कोविड के कारण इनको क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं आपने अच्छा प्लान नहीं बनाया। देखो इंडिया में सब हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन प्लान वॉज ओके। अब आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये जो घाट है, इसको घाट क्या है बेसिकली, ये पास है, पास समझते हैं आप लोग, जैसे माउंटेन्स है बहुत सारा, ठीक है। अब माउंटेन से उधर जाना है ना, तो माउंटेन से उधर जाने के लिए बीच में माउंटेन में दर्रा होना चाहिए ना, जगह होना चाहिए कि आप पास कैसे करोगे उसमें। तो आपके पास करने के लिए जो बीच में गैप रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं दर्रा, दर्रा, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि प्लेट्यू जो है इंडियन इंडियन पेनिनसुलर जो है उसमें एक पाल घाट है, थाल घाट है, घोड़ घाट है। अब क्लियर करो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सा घाट किस तरफ से चल रहा है, पाल घाट है, थाल घाट है या घोड़ घाट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा आपका, गाइस आर नॉट गिविंग द आंसर एट टाइम, तो आंसर हो जाएगा पहले ऊपर थाल घाट है, फिर घोड़ घाट है, फिर पाल घाट है, ठीक है। मेजर पासेस इन इंडिया जो है वो महाराष्ट्र में थाल घाट और घोड़ घाट है, और फिर यहाँ पे जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है उसमें आपको केरला से तमिलनाडु जाने के लिए कौन सा घाट क्रॉस करना है, कौन सा पास क्रॉस करना है, वो है पाल घाट क्रॉस करना है, ठीक है। आंसर्स आर नॉट गेटिंग ऑन टाइम, ठीक है। फोर्ड का आंसर दीजिए, आपका आंसर सही था, ठीक है, थ्री का भी था आंसर, थ्री का भी था ना, यस। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर आप बता रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है, फोर का बी बता रहे हैं। देखो गाइस एक्चुअली बात क्या है कि बनिहाल जो है वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है हिमालय से, और रोहतांग जो है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से भी कनेक्ट करता है, तो आंसर विल बी बोथ। आशु कुमार आपका वन का आंसर आ रहा है ए, तो वन का आंसर इज नॉट ए, डी आ रहा है रोहित कुमार का, और आंसर रोहित कुमार का बी है, बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू, एग्जैक्टली बोथ आर ट्रू। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है आपका बनिहाल पास, और बनिहाल पास और रोहतांग पास यहाँ पे दिख रहा है, बनिहाल पास है, रोहतांग पास है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको नॉर्थ से साउथ तक इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है, सो यू कैन सी दैट। व्हाट इज लंडन फोक रिलेटेड टू, लंडन फोक काफी ज्यादा न्यूज में, आप बताओ कि लंडन फोक किस चीज से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बता रहे लोग, ठीक है नीरज बता रहे हैं, आदित्य हमरा जी भी क्रिप्टो करेंसी बता रहे हैं,
प्रथम नौर बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल आंसर क्रिप्टो करेंसी है। सो यहाँ पे देख लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी आंसर है। सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? बिटकॉइन है, फिर इथेरम है, और इथेरम जो है वो ऐसा क्रिप्टो करेंसी है, इसी का नाम चेंज करके अब आ गया है आपका लंडन फोक। ठीक है, लंडन फोक। अब देखो पहचान स्कीम आया है, पहचान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है? पहचान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है? पहचान स्कीम बताओ। फाइव का आंसर, फाइव का आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। टेल मी द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। यस आशु, आई हैव सीन योर कमेंट। द एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम आ रहा है इंजीनियरिंग का, उसमें करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसीलिए ये जो सेशन है वो बहुत वैलिड है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। वॉइस ठीक है ना? वॉइस ठीक है। चलिए, तो आंसर मुझे आ रहा है पहचान स्कीम का, सी बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, माइनॉरिटी भी बता रहे हैं। देखो आंसर इज टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर है पहचान स्कीम। यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कोरोना के कारण काफी लोगों का नौकरी चला गया, जॉब चला गया, तो ये कार्ड स्कीम है। यहाँ पे लोग का कार्ड बन जाएगा कि ये जो है ये कार्ड बन गया है सबका, और अब आपको जहाँ से भी आपको वो काम करना है वो काम हो जाएगा। बेसिकली एक आईडी कार्ड है कि भाई मुझे एक मतलब हुनर वाले इंसान का जरूरत है कि जो इतना बनाएगा, तो उसके लिए एक कार्ड बन गया, और वो जो कार्ड है उससे आपका पहचान हो जाएगा। मतलब समझ रहे, एक एम्प्लॉयमेंट जैसे रोजगार बनाते हैं ना हम लोग, कि अपना रोजगार, आई एम रेडी टू वर्क, उस टाइप का है। तो उस्ताद स्कीम क्या है और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा आपको, लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन, फर्स्ट कमेंट ऑफ द सेशन विल बी योर पीडीएफ। गुड मॉर्निंग, कहाँ का कमेंट पढ़ा जा रहा है? दिस इज बोथ, दिस क्लास इज वैलिड फॉर बोथ डिफेंस एंड इंजीनियरिंग, सो द कमेंट इज ऑफ देयर। ठीक है, ठीक है, मैंने राइट आंसर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए आप लोग। फिर से टेक्सटाइल बता रहे परमानंद तिवारी जी। फिर से टेक्सटाइल बता रहे हैं, सेवन का ए बता रहे हैं। ओके ओके ओके, सेवन का आंसर आ रहा है सी, जो कि आंसर सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उस्ताद स्कीम है, उस्ताद का कैपिटल फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, हाँ, और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव है कि अपग्रेड करना है ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय प्रिजर्विंग ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, स्टार्टेड इन 2015, और ये पूरा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है। वॉइस कम है, वॉइस क्यों कम है? आप चेक कर लो एक बार वॉइस। एक्चुअली इन इंजीनियर्स द कमेंट आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, कमेंट आई एम गेटिंग लेट, सो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। फ्रॉम टुमारो इट विल बी सिंक, डोंट वरी अबाउट इट। सिक्स का आंसर, चलो सेवन का आंसर आप लोग बताइए कि ट्राइफेड जो है न्यूज में रहता है, ट्राइफेड किस चीज से रिलेटेड है? ट्राइफेड किस चीज से रिलेटेड है? ट्राइब से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से, टूरिज्म से, या टेक्सटाइल से? ट्राइफेड इज रिलेटेड टू वॉट? वॉइस ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, वॉइस इज ओके। सो ट्राइफेड किस चीज से रिलेटेड है बताओ जल्दी? ट्राइब से, ट्रांसपोर्टेशन से, टूरिज्म से, या फिर टेक्सटाइल से? चलो वॉइस इज ओके, बढ़िया, थैंक यू। अजय सिंह, आपका आंसर आ रहा है लीबिया। लीबिया इज नॉट द आंसर, आंसर इज टूनिशिया। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन इट देयर। सेवन का आप बी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कृष्ण गोपाल,
ए बता रहे हैं ट्राइब्स आंसर है, टूरिज्म आंसर नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ जी ट्राइब आंसर है, ठीक है ट्राइब आंसर है। और ट्राइब कोऑपरेटिव मार्किंग मार्केट डेवलपिंग जो इसका फेडरेशन इन इंडिया है वो बता रहा है ट्राइब ट्राइब फेड जो है वो ट्राइब्स के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अक्षय कुमार हेलो, प्रशांत सोनी हाय, यस रोहित कुमार, अर्जुन अनुराग सिंह हेलो, यस आई कैन सी एवरी वन, ठीक है। बट द थिंग इज आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग द रिप्लाइज लेट, फ्रॉम टुमारो इट विल बी मैनेज, डोंट वरी। अब बताओ कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ लोकेटेड है, बन्नी ग्रासलैंड जो है वो लोकेटेड है गुजरात में। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। बनी ग्रासलैंड जो है गुजरात में, अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हैंडलूम डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है 2021 में, और हैंडलूम एक एन इंडियन लीगेसी है, ठीक है। हाँ अक्षय कुमार मुझे सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो हैंडलूम एक इंडियन लीगेसी है और इसीलिए वो सेलिब्रेट होता, मतलब दिस इज द थीम, बेसिकली दिस इज द थीम, ठीक है। The next question is which state CM launched a 9 online service of state engineer state energy department, ठीक है। तो ये किस government का है जिसने 9 online scheme शुरू की है energy department के लिए, energy department के लिए कौन से state ने start किया है, तो ये state है उड़ीसा, उड़ीसा ने start किया है single e-district platform और this has been started by Odisha, clear है। Which country signed contract with India for development of 5 eco-tourism zone in Edo City? एक Edo City है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, ठीक है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि ये सिटी है कहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता है। एंड माई प्रडिक्शन इज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर, जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन हमेशा मैप बेस्ड रहेगा, एंड सो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर। ये है आपका मालदीव्स में, ठीक है मालदीव्स में, यहाँ से ये है आपका एडो सिटी, ठीक है। ये मलेशिया का एक ट्राई जंक्शन है। तो मालदीव्स में काफ़ी बार होता है ऐसा कि ये लोग मालदीव्स से करते हैं बॉन्ड या फिर कोई भी, मतलब बॉन्ड या फिर कोई भी एग्रीमेंट होते रहता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। एडो सिटी जो है मालदीव्स में, याद रखिएगा प्लीज़। अब बताओ कि विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च अ सेलर ड्रिवन कैंपेन नेम्ड इतना आसान है, इतना आसान, इट इज़ वेरी इजी, ऐसा करते हैं इट इज़ वेरी इजी। सो कौन सा है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मालदीव्स आंसर बता रहे हैं विशाल पासवान जी, बिल्कुल सही बात है, मालदीव्स मालदीव्स, ये आंसर आई एम गेटिंग। मधुमिता दास बी बता रही है, अक्की क्वेश्चन नंबर 4 का ये लोग बी बता रहे हैं, तो गाइस बी इज नॉट द आंसर। अक्की कुमार सी बताएं और प्रदीप कुमार मौर्य भी सी बता रहे हैं, अक्की कुमार अब आप लोग सी बता रहे हैं, यस सी इज द आंसर, ठीक है। अब अमेजोन देखो ये ऐसे कर रहा है, दैट इज वेरी इजी, तो वही है अमेजोन, ये बताते हैं इनका यही स्लोगन है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल यूनिट डेवलप्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद टू प्रोवाइड डोर स्टेप हेल्थ सर्विस इन दिल्ली। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में अगर किसी को भी दिक्कत है तो हम लोग आपको घर तक सर्विस दे देंगे, घर तक पहुँचा देंगे कोई भी ट्रांसपोर्ट। तो ये कौन सा है, ये जो मोबाइल ऐप है ये कौन सा, इसका नाम है, ठीक है क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है धन्वंतरी रथ। ये देखो धन्वंतरी ये जाएगा घर घर में, जिसको दिल्ली में जहाँ जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे वहाँ तक पहुँचाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव अ एमओयू विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये बताओ। 13 का आंसर बताइए, यस आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, अमेजोन वाला तो परफेक्टली राइट है और बाकी आंसर्स भी सही आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ जी क्रिप्टो करेंसी वाला आंसर आ रहा है बाकी बच्चों का, ठीक है। हेमंत का आंसर आया, अक्की का आंसर आया, गाइस वो क्रिप्टो करेंसी है। प्रदीप मौर्य आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, ठीक है क्लियर इट। हाँ जी अब देखो ये फिनलैंड का क्वेश्चन, फिनलैंड का है यूनियन, ये जो एमओयू साइन हुआ है मिनरल रिसोर्सेज और जियोलॉजी के लिए, अभी रिसेंटली मोदी जी
जो है इसको साइन किए हैं फिनलैंड के साथ, ठीक है, ये अप्रूव्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हाँ ठीक है। 14 का आंसर जो है वो डी आ रहा है बाकी बच्चों का, नहीं गाइज ये सी है, ठीक है, काफी थोड़ा रेयर है। श्री कृष्ण जी, मैम ओलंपिक में सबसे ज्यादा किसने मेडल जीता है? भाई चाइना ने जीता है। अब आपको ये मैसेज मिलेगा थोड़ी देर बाद लेट, तो आई हैव गिवन द आंसर, ठीक है। अब बताओ कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बैन 118 मोबाइल एप्स इंक्लूडिंग पबजी। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने बैन किया है? कौन सा मिनिस्ट्री बैन करेगा? पबजी तो बैन हो गया है, ठीक है, लेकिन किस मिनिस्ट्री ने बैन किया है? अमन कुमार का आंसर आ रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज राइट अमन कुमार। आई एम गेटिंग योर आंसर्स लेट सो डोंट वरी। फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड। यूएसए ने जीता है सबसे ज्यादा मेडल, हाँ। फिफ्टीन का आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो बेसिकली है कि अड्डा में अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी महापैक लेना है, महापैक जो है वो दोनों जगह बहुत सही चल रहा है, डिफेंस का और इंजीनियरिंग का, तो अगर आपको महापैक लेना है तो आपका कोड है Y332, ठीक है। वॉट इज द कोड Y332? और इस कोड से क्या होगा, इस कोड से बेसिकली आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो कोड है Y332, इस कोड से आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है 77% का, और 78% मिलेगा अगर आप कॉइन यूज करते हैं ऐप पे। ऐप पे जाके अगर आपने कॉइन अर्न किया हुआ है और आप उसको यूज करते हैं तो 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे, ऑल द महापैक एंड ऑल द कोर्सेज, ओके। सर ओलंपिक में मेडल यूएसए ने जीता है, कितने बार पूछ रहे हैं आप? मैंने बोल दिया आंसर, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। Now the next question is, what is the name of the online film festival organized by film division to commemorate Gandhi Jayanti? अब एक film festival of India है, आपको पता है FII, film festival of India FFI, तो इन्होंने गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे था, इसको कॉमरेट करने के लिए एक फिल्म महोत्सव रखा है। वो फिल्म महोत्सव जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम ही गांधी फिल्म महोत्सव है, ठीक है, गांधी फिल्म महोत्सव है। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है। 150वां बर्थ एनिवर्सरी है गांधी जी का, और इसीलिए इसको रखा गया है। सो उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हाँ। अब बताओ कि ज्ञान सर्कल वेंचर इज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूशन? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी, श्री कृष्णा जी, मैंने देख लिया आपका मैसेज, काफी बार देख लिया सर, मैंने बोला कि यूएसए है। ठीक है, श्री सिटी, और ये जो है ये श्री सिटी जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है गाइस, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। अब बताओ कि एज पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन द इंपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट हैज डिक्रीज बाई 12%, और ये वही प्रोडक्ट है जिसका दाम एकदम 100% इन्फ्लेशन से जा रहा है। पहले 100 रुपये का तो अब 200 रुपये का मिल रहा है, बताओ ऐसा क्या कौन सा चीज़ है? एडिबल ऑयल है, ठीक है, एडिबल ऑयल,
12% से इसका रिड्यूस हो गया इम्पोर्ट। हम लोग इसको बाहर के कंट्री से मंगाते थे और अब हम लोगों ने 12% इसको मंगाना कम कर दिया है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोर्ट स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑन विच एग्रीकल्चरल कमोडिटी रिसेंटली। बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप स्टॉक होल्डिंग नहीं रख सकते, इसका स्टॉक होल्डिंग नहीं रख सकते। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक होल्डिंग नहीं रख सकते? अनियन का नहीं रख सकते, ठीक है? अनियन का आप स्टॉक होल्डिंग नहीं रख सकते। इसको आप कैद कर, बहुत ज़्यादा जो है लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये अगर किसी भी चीज़ का दाम बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर, तो बोलेंगे कि नहीं अब हमारे पास नहीं है और इसको स्टॉक करके रख लेंगे, ठीक है? और इस चीज़ को स्टॉक करके रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे और फिर क्या करेंगे कि जब मार्केट में उस चीज़ का सप्लाई नहीं रहेगा और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कॉस्ट तो उसको ऑब्वियसली बढ़ जाएगा 200%, 300%, तो ये लोग तब उस चीज़ को निकालेंगे और बोलेंगे अब बेच रहे हैं। तो इसीलिए बीच बीच में प्याज का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनियन इज द आंसर। अब बताओ कि किस मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अमेंडेड टू सेटअप, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टार्ट होने वाला है? ये जो इंडियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, ये किस देश में स्टार्ट, किस स्टेट में स्टार्ट होने वाला है ये बताइए। ये स्टार्ट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये है ना कि अभी तो पहले वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन था नहीं और अब अचानक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अब अचानक से स्टार्ट हो जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू एंड कश्मीर में किसने स्टार्ट करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टार्ट करवाया है। कौन सा एक्ट है ये? जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट है। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेंगे जी। सो अब बताओ हाउ मेनी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आई एम सीइंग ऑल द आंसर्स, डोंट वरी, आई एम सीइंग ऑल द आंसर्स, बस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी मच, सो आई एम डूइंग इट थोड़ा सा स्पीड में। अब बताओ कि इंडिया में कुछ क्वेश्चंस ओलंपिक से पूछते हैं अब हम लोग, इंडिया में कितने एथलीट ने पार्ट लिया है 2020 ओलंपिक्स? अब बताओ टोक्यो 2020 इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि 2020 में होने वाला था टोक्यो का ओलंपिक्स और अब 2021 में हुआ है, लेकिन इसको 2020 वाला ही माना जा रहा है। आप लोग ये मत बोलोगे मैम 2021 होना चाहिए। इंडिया से 127 एथलीट ने इसमें पार्ट लिया है जो कि हाईएस्ट है एवर, हाईएस्ट है। Yes, answer is no guys, the answer is not D, it is 127। अब द फ्लैग बियरर आपको बताना है कौन थे जो झंडा लेके जाते हैं आगे देश का, तो वो कौन थे इस साल के लिए? वो कौन थे इस साल के लिए ये बताइए। फ्लैग बेरर जो थे वो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। मनप्रीत सिंह आपको पता है इंडियन हॉकी के कैप्टन है ना, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। यस, तो 22 का आंसर है डी। हाँ, मेरी कॉम सिर्फ मेरी कॉम नहीं होगा, मनप्रीत सिंह भी होंगे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है बोथ। और बताओ कि पिछले के पिछले बार 2012 में कौन थे फ्लैग बेरर, काफी फेमस हुए थे ये, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ट्वेंटी थ्री का आंसर है सुशील कुमार, ठीक है? सुशील कुमार 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग 8 बजे आ जाया कीजिए, ठीक है? टाइम पे, फ्रॉम टुमारो एवरीथिंग विल बी सिंक, डोंट वरी। सो द टाइम इज 8 AM,
सुबह में उठिए 8 बजे, सुबह सुबह आ जाइए, क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी इंजीनियर्स के एग्जाम हैं और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स के एग्जाम हैं, सब के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्पोर्ट्स डिड बार्टले विंग्स विन 3 मेडल एट द सिंगल ओलंपिक, एट अ सिंगल ओलंपिक। ये जो है वो किस स्पोर्ट्स में जीती है 3 मेडल, मतलब ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के हैं ये, ठीक है। ये किस में जीते हैं, ये देखिए, ये बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये आ गए कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, और ये टूर डे फ्रांस भी जीते हैं 2012 में, और ये इन्होंने 3 मेडल जीता है किस स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में जीता है। Which is the longest race contested at the Olympics? Olympics में सबसे लंबा रेस कितने किलोमीटर का होता है या मीटर का होता है? 1000 मीटर का होता है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 10 का होता है, 50 का होता है, 20 का होता है, तो इसमें जो हाईएस्ट है वही है। हाँ, रिप्लाई काफ़ी देर से पहुँचे हैं। जी, सो द नेक्स्ट आंसर इज 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर वॉक रेस, 50 इज द आंसर, ओके। विच, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन वॉक रेस कंडक्टेड एट द ओलंपिक्स? ये बताओ कि पहली बार वुमेन वॉक रेस, जो वुमेन थे उनका वॉक रेस ओलंपिक में किस साल कंडक्ट हुआ है? आशीष और सुरजीत दास, आप लोग आंसर सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये कंडक्ट हुआ है 1992 में, ठीक है, 1992 में कंडक्ट हुआ है, और ये रेस जो है वुमेन वॉक रेस, ये ओलंपिक्स का 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में कंडक्ट हुआ है। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस आर देयर इन ओलंपिक्स? ओलंपिक में कितने तरह के रेस होते हैं ये बताइए। 1992 है। फोर तरह के रेस होते हैं, ठीक है, 4 races आर देयर। तो ये है 1 stated, 2 stated race और लॉन्ग डिस्टेंस, विच जो कि है 7 to 4 stages रेस, ठीक है, याद रखना 4 इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। कितने तरह के रेस होते हैं? 4 तरह के रेस होते हैं, 3 जो है बहुत कॉमन है, 1 थोड़ा अनकॉमन। अब बताओ कि इंडिया जो है उसने किसको डिफीट करके सेमीफाइनल में गया है? फिर सेमीफाइनल में तो बेल्जियम ने हरा दिया इंडिया को, और फिर फाइनली बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया ने किसको हराया था सेमीफाइनल में जाने के लिए, ये पूछ रहे हैं उसे। इंडिया ने किस कंट्री को हराया है? इंडिया ने ब्रिटेन को हराया है, ठीक है, ब्रिटेन को हराया है, इंडिया ने ब्रिटेन को हराया था ओलंपिक्स में जाने के लिए फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में, और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल। अब बताओ कि जो ये टॉर्च बेयरिंग का है, ये लोग टॉर्च बेयरिंग करते हैं, वो ओलंपिक में किस साल से स्टार्ट हुआ है? ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स। तो किस साल से स्टार्ट हुआ है टॉर्च बेयरिंग? ये स्टार्ट हुआ 1936 से। सबका मैं कमेंट्स देख रही हूँ गाइस, डोंट वरी, मैं सारे कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ऑल द कमेंट्स आई कैन सी। 1936 से स्टार्ट हुआ है कि बर्लिन गेम्स में टॉर्च बेयरिंग, मतलब कि लोग जो ऐसे टॉर्च लेके चल रहे हैं, ये देखो, ये स्टार्ट हुआ है, ये ओलंपिक का काफ़ी टाइम तक सिम्बॉल भी रहा है। Who is the current captain of Indian hockey team? तो ये तो पता होगा आप लोग को, men, women की कौन है? रानी रामपाल है, और उनकी गोलकीपर कौन है? सविता पुनिया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से शायद 9 गोल बचाए उन्होंने, और गुरजीत कौर जो है वो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जब
हुआ है मैच, तो 1-0 से इंडिया जीता था, और ये सिर्फ वन सिंगल गोल हुआ था जो कि गुरजीत कौर ने किया है। मनप्रीत सिंह, बिल्कुल दैट इज आंसर, यस ऑल योर आंसर्स आर राइट। हाँ जी, अब बोलो कि इंस्पायर्ड प्रोग्राम, इंस्पायर्ड प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर है? इंस्पायर्ड प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर है? टोटल 33 स्कोर हो जाए। चलो तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, और ये कोई एग्जाम नहीं लेगा। जैसे आप लोगों में से जो भी टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको निकालने के लिए लोग क्या करता है, कमीशन एग्जाम लेता है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। इनोवेशन फॉर साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर रिसर्च जो है इंस्पायर, ये इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि लोग सीधे किसी तरह गवर्नमेंट जो है वो इनोवेटिव प्रोग्राम चलाया है, जिस प्रोग्राम का नाम है सीड प्रोग्राम, शी प्रोग्राम और प्रोग्राम, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो याद रखेगा, खासकर इंजीनियर्स वाले याद रखेगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर है। यस, अब बताओ फर्स्ट वाटर विला कहाँ बनाया गया है? आप लोग जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लीजिए, यहाँ पे जाइए घूमने के लिए, बहुत सुंदर बनाया गया है और इंडिया में ही बनाया गया है। लोग कहते हैं कि मैं फॉरेन जाऊँगा घूमने के लिए, टूरिज्म ये फलाना ठिकाना, लेकिन बेसिकली इंडिया में इतनी सारी सुंदर जगहें हैं कि आप यहाँ पे इस सारे जगह का मजा ले सकते हैं। इंडियन टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, डोमेस्टिक को भी, और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बताओ कि कहाँ पे है ये? एजुकेशन नहीं, नवीन नहीं, नो, यस, तो लक्षद्वीप इज द आंसर। लक्षद्वीप में बनाया गया है, यहाँ पे फर्स्ट वाटर विला बनाया गया है जो कि बाय नीति आयोग है, और यहाँ से 125 रूम्स हैं, मिनिकॉय, सुहेली, कदम, लक्षद्वीप, ये सब कुछ है, ठीक है। इस लक्षद्वीप में बनाया गया है वाटर वैली। यस गाइस, यू आर राइट, ऑल माय इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, आई एम रियली सॉरी, कमेंट बहुत लेट से आ रहा है, ठीक है। आई एम सीइंग ऑल योर कमेंट्स, बट व्हाट कैन आई डू, इट इज कमिंग वेरी लेट। फ्रॉम टुमारो क्लियर कर दिया जाएगा, बिल्कुल ऑन टाइम इट विल गो लाइव, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ गाइज, एंड इट इज लेट, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। चलिए तो अब बताओ कि इन ऑगस्ट 2021 इंडियन गवर्नमेंट रीनेम्ड इट्स हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम किसके नाम पे रखा गया है? सबने सुना होगा, सबको पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो है ये किसके नाम पे रखा गया है ये बताओ? माई नेम इज, हाँ ये मैं बताना भूलिए। चलो कल से कोई टेंशन नहीं होगा, बस आप लोग जो है, ये थोड़ा डेमो टाइप का सेशन हो गया है फॉर इंजीनियर्स, डिफेंस के लिए तो सही चल रहा है ना। सो माय नेम इज कीर्ति पांडे, और 8 बजे से आप लोग आ जाएगा। सुबह सुबह उठ के मतलब 5 बजे उठो, 4 बजे उठ के 3-4 घंटे अपने पढ़ाई कर लो, यहाँ आ जाओ, करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं तो बोलती हूँ कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने टेक्निकल पढ़ाई को लेके, जो भी पढ़ाई है आपका, डिफेंस वाले जो मैथ्स इंग्लिश वगैरह बना रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर इंजीनियरिंग वाले जो अपना ट्रेंड बना रहे हैं, यानी कोई सिविल के होंगे, कोई मैकेनिकल के होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, तो अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, यू कम टू दिस सेशन, करंट अफेयर्स विल बी क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट। चलो ठीक है, हाँ तो आंसर इज, बिल्कुल इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मेजर ध्यानचंद है। इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1928, 1932, 1936 में जीता है। ओके, सो दिस इज अ थिंग। अब बताओ कि कौन सी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जो रिसेंटली बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये कौन है मैडम बताइए? ये कौन है मैडम? हाय मैम, सक्करवाल उमेश, डेली क्लास होती है? बिल्कुल डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, सुबह 8 बजे क्लास होती है। हाँ यस यस यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। आंसर्स आई एम गेटिंग, बट आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर्स।
बिल्कुल नहीं है सोमा मंडल. द आंसर इज धृति बैनर्जी. धृति बैनर्जी है ये, ठीक है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है 1916 में, 1916 में बना है. कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इन 100 साल पहली बार वुमेन बनी है. ये पूछा जा सकता है धृति बैनर्जी के बारे में, ठीक. अब बताओ कि वुमेन पे ही क्वेश्चन है कि एक और इसमें ऑप्शन था. धृति बैनर्जी तो क्लियर हो गया, एक और ऑप्शन था, उनका नाम था रेखा शर्मा. तो रेखा शर्मा कौन है? नेशनल वुमेन कमीशन की करंट चेयरमैन, करंट चेयरमैन. हाँ जी, कैन सी ऑल योर आंसर्स, डोंट वरी, सब सब आंसर्स लिख रहे हैं. वर्कआउट करने के लिए चले जाते हैं, कोई बात नहीं, एयरपॉड लगा लो, ईयरफोन लगा लो, सुनते रहो. लैंग्वेज देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में इसलिए क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि डिफेंस के पेपर में या फिर इंजीनियरिंग के पेपर में मतलब इंग्लिश जो है ये सिंपल इंग्लिश है ना, तो मैंडेटरी है उतना. अब इंजीनियरिंग किसी ने तो हिंदी में किया नहीं होगा, इंग्लिश में ही किया होगा. डिफेंस में कोई जाएगा तो वहां पे तो लैंग्वेज ही इंग्लिश है, इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही लिया जाएगा, तो इट इज मैंडेटरी. सो मैंने ये एकदम सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन लाया और मैं तो उसको हिंदी में बता ही रही हूँ, तो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज. और बिल्कुल वैसे मत पढ़ो कि एकदम हिंदी में लिखा हुआ तो ही पढ़ेंगे, नो. थोड़ा बहुत पढ़िए, देखिए सारे किसी भी भाषा से बैर मत रखिए, सारे भाषा को पढ़ो समझो. हिंदी वाले को इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश वाले को हिंदी पढ़ना आना चाहिए इंडिया में सर्वाइव करने के लिए, है ना. सो दैट इज द थिंग. यस 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 यस, आंसर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम इंजीनियर्स ऑल्सो, वेरी गुड. एक्सप्लेन तो कर रही हूँ. देखो नेशनल वुमेन कमीशन जो है इस तरह से एक एससी कमीशन है, एक एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, माइनॉरिटी है, तो उसी तरह से वुमेन कमीशन भी है जिसकी चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा जी. अब है क्वेश्चन कि इन अगस्त 2021 शंकर सुब्रमण्यम नारायण अ 2-time ओलंपियन पास जबे, अभी अभी इनका डेथ हो गया है, ये 2-time इंडियन ओलंपियन थे, ये इनका डेथ हो गया है, तो ये किस स्पोर्ट से थे? ये क्वेश्चन है. इनको एसएस बाबू भी कहते थे, एसएस बाबू, ठीक है. शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये बताओ? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है ये, याद रखिएगा. इनको देखिए एस एस बाबू नारायण पास जावे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, थाने मुंबई के थे ये. हाँ फुटबॉल से रिलेटेड है. नहीं, अब हिरोशिमा डे मनाया गया है, हिरोशिमा नागासाकी, आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी, तो बताओ हिरोशिमा डे किस दिन मनाया गया? हाँ, सो यू शेयर द सेशन ना, शेयर द सेशन. अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, कोई और लाइक कर देगा, किसी और को पसंद आ जाएगा. तो नहीं गाइस, प्लीज शेयर करिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, बच्चों को बताओ कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो है वो प्राप्त नॉलेज वाले हैं, मैंडेटरी करंट अफेयर्स आएंगे आपके एग्जाम्स में, वही तरह के क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर, तो उसकी जानकारी मैं बता देती हूँ. और आप लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर भी कर दीजिए प्लीज. हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है. लिटिल बॉम्ब टू रिमेम्बर द विक्टिम, ये लिटिल बॉम्ब इन पे फेंका गया था, आपको पता है कि नागासाकी पे फैटमैन फेंका गया था 9 अगस्त को. और ये किस चीज को रिमेम्बर करने के लिए इस बार है? टू रिमेम्बर द विक्टिम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. 76th एनिवर्सरी इसका, 76th, क्योंकि 1945 में फेंका गया था ना जापान में अमेरिका के द्वारा. बिल्कुल. अब बताओ कि सरला थुकड़ल, ठीक है, ये कल डूडल था, ये कल मैंने डूडल में देखा है, गूगल का डूडल यही था. तो ये बताइए नहीं उमेश जी, डिफेंस में इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे वहां पे. अब बताओ कि ये जो है सरला, ये क्या, कौन है ये? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है. सरला जी जो है वो कौन है? सरला जी जो है वो कौन है?
पायलट है, यस। तो ये पायलट थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, बॉर्न इन 1914। शी अर्नड एन एविएशन पायलट लाइसेंस इन 1936 एट यंग एज ऑफ 21। और ये फिर फ्लू कर गई अकेले, और फोर ईयर की, शी हैड अ फोर ईयर ओल्ड डॉटर। इनकी बच्ची भी थी, देख रहे सारी वाड़ी में पूरा फिट हैं, इनकी बच्ची भी थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो है ये वुमेन है जो कि फ्लाई एयरक्राफ्ट की हैं। अब बताओ कि कौन सा स्टेट है जिसमें इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक वार्निंग ऐप है। ये स्टेट मैंने काफ़ी बार पूछा गया है कि अपना उनको अर्थक्वेक आया तो उनके लिए वार्निंग ऐप है, ये कौन सा स्टेट है। भूकंप अलर्ट इन उत्तराखंड, भूकंप अलर्ट इन उत्तराखंड, यस। अकी कुमार आपका, मनप्रीत जी बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। 1936 भी प्रशांत सुनी बता रहे हैं, बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, चलो बढ़िया। हाँ, अब ये बताइए कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी अभी वो गया है समुद्र में, पहली बार इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है, कहीं से नहीं खरीदना पड़ा, इंडिया अपना खुद बनाया, तो ये जो है उसका क्या नाम है, इसका नाम बताइए। इसका नाम है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, यस। इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। गुड मॉर्निंग प्रियंका गुलिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, 8 बजे आ जाइए ना, 8 AM, यू कम एट 8 AM। अब बताओ कि अराउंड 60 बेगर्स कहाँ पे हैं, जो 60 भिखारियों को यहाँ पे दिया गया है जॉब, 60 भिखारियों को जॉब दिया गया है कहाँ पे, टेल मी दिस। कहाँ पे दिया गया है, जयपुर में दिया गया है। 60 भिखारियों को यहाँ पे जॉब दिया गया है किस चीज के तहत, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत, ठीक है। अब बताओ कि इंडियन रेसलर लभांशु शर्मा जो है वो, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय विनिंग भारत केसरी रेसलिंग दंगल, मतलब बहुत साल बाद हुआ है कि इस स्टेट से किसी ने, कैसी जॉब, नॉर्मल जो भी उनको आता हो, किचन वर्क रिलेटेड ये सब चीज टाइप के जॉब। अब बताओ कि खुद भी लेना है क्या आशीष कुमार, नहीं ना, डिफेंस वाला जॉब ले लो तुम, तो बताओ कि ये किस स्टेट के है, किस स्टेट के है ये है उत्तराखंड के, ये दिख रहे हैं आपको, ये बने हैं केसरी नंदन, कौन है, हनुमान जी बने हैं, और ये उत्तराखंड के हैं, और ये जो है रेसलिंग दंगल जीत गए हैं, तो इनको मिल रहा है बहुत पैसा, मिल रहा है 1,00,000 रुपये मिला, वाह सही। अब ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अप्रूव किया है रूरल रोड को कनेक्ट करने के लिए 300 बिलियन का लोन, किस स्टेट को देगा ये 300 बिलियन का लोन, किस स्टेट को देगा। हाँ, प्रशांत सोनी का एक और जगह ऐड हो गया, ये जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए, मालदीव्स का बात कर लेंगे। ये मिला है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होएगा, उत्तर प्रदेश आंसर जो आप लोग का आ रहा है, आप मुझे पता है क्यों आ रहा है, उत्तर प्रदेश को ना रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मिला था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सेम पैसा मिला है रूरल रोड के लिए महाराष्ट्र को, ठीक है। अब बोलो कि हु ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, वॉज हैज रिटन द बुक टाइटल बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी अभी कल ये किताब रिलीज हुआ है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है बालाकोट एयर स्ट्राइक, मानन भट्ट जी जो है उसको लिखे हैं, बाकी लोग नहीं है, मानन भट्ट लिखे हैं ये बुक, याद रखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा के खिलाफ हम लोगों ने किया था, और वही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सेंटर हैज अप्रूव समग्र शिक्षा स्कीम, स्कूल फॉर स्कूल एजुकेशन टिल, तो किस साल तक चलेगा ये समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम चलेगा 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक, बिल्कुल। अब है कि पीएम दक्ष
पोर्टल पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग इतना टेंशन मत लो कि मैम ये बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा। मुझे पता है कि बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि जब आप इसको रोज देखेंगे, रेगुलर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा आदत डाल लेंगे कि मुझे एक घंटे करंट अफेयर्स को देना है, यहाँ पे आके रेगुलर देखना है। आज समग्र शिक्षा नहीं समझ में आ रहा है, आज दक्ष पोर्टल नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसी टॉपिक पे बार 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 कि आपको एकदम याद हो जाएगा। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, याद ही हो जाएगा बात, ठीक है। श्री कृष्ण जी, एक्चुअली द थिंग इज कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्या चल रहा है क्वेश्चन नंबर 46, तो काफी डिले स्ट्रीम हुआ है, दिस इज द रीजन। कल से इट विल बी सिंक, ओके, एंड यू कैन टॉक विथ डेकोड इन द क्लास। द ऑप्शन आंसर इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी, ओके, ये हुआ है और इसी का है ये दक्ष मोबाइल ऐप। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है? 29,000 feet है आपका माउंट एवरेस्ट, ये हो गया 19,300 feet ऊंचा, ये हो गया 300 feet ऊंचा। तो ये किस जगह पे हुआ है? ये उमलिंग ला ईस्टर्न लद्दाख में हुआ है, ये लद्दाख का एरिया है, ये बात मैंने पहले भी बता दिया। ये देख सकते हैं आप, ले है, ये उमलिंग ला पास है और यहाँ मनाली है, ये सब आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। अब बताओ कि रिसेंटली इन न्यूज वेयर इज अगेलेगा आइलैंड लोकेटेड? अगेलेगा आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका इंडियन ओशंस में, ये देख रहे हैं मालदीव्स वगैरह, ये जगह है इंडियन ओशंस में, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर नाम याद आएगा तो नाम आएगा तो बता दीजिएगा। हेल्थ क्वेस्ट स्टडी जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये किसका है, ठीक है, ये किसका है? तो ये इसरो का है, ये याद रखिएगा। आप बोलोगे कि मैम इसरो कैसे बना सकते हैं, तो इसरो हैड लॉन्च टू अपग्रेड सर्विस क्वालिटी इन इंडियन हॉस्पिटल, ठीक है। चलो द लास्ट क्वेश्चन इज कि मोदी जी ने अभी लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई-रूपी। ई-रूपी किसने बनाया? NPCI ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसने बनाया है ई-रूपी। इसके बारे में मैंने काफी बार बताया हुआ है आप लोगों को। आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स गाइस, सो दिस वाज द थिंग ई-रूपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स है, बेसिकली इसमें क्या है कि एक QR स्कैन कोड है, आप उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे और फिर जो पैसा जिसके खाते में आना है खाते उसी के खाते में आएगा। तो ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक है, वो वाला नहीं होगा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कि आप पैसा ले लिए गवर्नमेंट से और कर लें कुछ और, पढ़ने के लिए लिए थे कुछ और ही हो रहा है। सो अगर आपको सेशन पसंद आया आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज डोंट वरी, करंट अफेयर धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, बस आप रेगुलर रहिएगा सेशन में 8 बजे से सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे विथ मी ऑन डिफेंस या इंजीनियरिंग अड्डा। आप रेगुलर रहिए, आपको बिल्कुल धीरे धीरे सारे करंट अफेयर समझ में आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यस, थैंक यू।